हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर में प्लंबिंग का काम करवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्लंबिंग का कार्य करवाते हुए बहुत से लोगों को प्लंबिंग की बेसिक जानकारी ना होने के कारण बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उन्हें ज़िंदगी भर घर में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको प्लंबिंग काम की थोड़ी बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको प्लंबिंग से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए आपको हमारे वीडियो में एंड तक बने रहना होगा, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा बाथरूम सीरीज वाला भी वीडियो ज़रूर देखें, लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला टिप्स है, कंप्लीट योर ऑल प्लंबिंग वर्क बिफोर प्लास्टर एंड फ्लोरिंग वर्क। मीन्स आपको प्लंबिंग की सारी फिटिंग्स, चाहे वो अंडरग्राउंड हो या कंसील्ड हो जो दीवारों में झिर्री काटकर फिट की जाती है, या सभी तरह की प्लंबिंग पाइप को प्लास्टर और फ्लोरिंग से पहले ही करवा लेनी है। नहीं तो बाद में तोड़ फोड़ से प्लास्टर और टाइलें दोनों खराब होंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। टिप नंबर 2, ऑलवेज यूज मिनिमम 4 इंच PVC पाइप फॉर रेन वाटर ड्रेनेज। मीन्स जब भी आप बरसात के पानी के लिए पाइप्स लगवाएं, चाहे वो ओपन लगाएं या अंडरग्राउंड, आपको मेनली दो बातों का ध्यान रखना है। वो क्या, पहला तो आपको रेन वाटर के लिए अगर छत बड़ी है तो 2 या 3 जगह पाइप लगाएं, जिससे कि अगर कोई पाइप चोक हो तो दूसरे पाइप से बरसात का पानी निकल जाए। और दूसरी बात की 3 इंच का पाइप रेन वाटर के लिए कभी भी ना यूज करें, हमेशा आपको बरसात के पानी के लिए 4 इंच का ही पाइप यूज करना है, और यह पाइप PVC का ही यूज करना है। तो इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें रेन वाटर के लिए। तीसरा टिप्स है, प्रॉपर पैकिंग ऑफ चैम्बर पाइपलाइन। मींस जितने भी आपकी चैम्बर वाली पाइपलाइन है, सभी पाइपलाइन, चाहे वो वेंट पाइप हो या ड्रेन पाइप, और चैम्बर को प्रॉपर कवर करके रखना है अपने मकान की फिनिशिंग कंप्लीट होने तक, क्योंकि चैम्बर काफ़ी पहले ही बना लिया जाता है, उसके बाद भी मकान का काम काफ़ी समय तक चलता रहता है और इन पाइपलाइन में पानी जाता रहता है, जैसे कि तराई का पानी और खासकर सीमेंट के घिसाई का पानी लगातार जाने से पाइपलाइन में सीमेंट इकट्ठा होकर जम जाती है, जिससे पाइपलाइन चोक हो जाती है, जिसे क्लीन करने में काफ़ी समय और पैसा बर्बाद होता है। इसके साथ साथ चैम्बर में जो हम गैस के लिए वेंट पाइप देते हैं, छत तक उसे भी अच्छे से पैक करके रखें, यह बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। टिप नंबर 4 है, वेयर टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप, PVC, CPVC, UPVC। कौन सा पाइप कहाँ यूज करना है, इस बात की भी जानकारी होना आवश्यक है। जैसे पहला है PVC पाइप, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह पाइप ग्रे रंग का होता है, जो कि फ्लोर ड्रेनेज, रेन वाटर, सॉइल पाइप, टॉयलेट, यूरिनल सिंक और बाथरूम के लिए हमेशा PVC का पाइप यूज करना चाहिए, जो कि दूसरे सभी पाइप के मुकाबले सस्ता होता है। सेकेंड है UPVC पाइप, जिसका फुल फॉर्म होता है अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह पाइप हमेशा कोल्ड वाटर फिटिंग के लिए यूज किया जाता है, जो कि वाइट रंग का होता है और PVC पाइप के कंपैरिजन में महंगा पड़ता है। इसे वाटर टैंक के इनलेट आउटलेट के लिए यूज कर सकते हैं। और तीसरा है CPVC पाइप, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह पाइप आप पूरी प्लंबिंग फिटिंग में यूज कर सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड दोनों वाटर के लिए। इसे इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी फिटिंग के लिए यूज किया जा सकता है। पहले GI पाइप यूज किया जाता था हॉट और कोल्ड वाटर के लिए, लेकिन इसका डिसएडवांटेज यह था कि इसमें कोरिजन यानी कि जंग लगने के चांसेस ज़्यादा होते थे और इसके इंस्टॉलेशन में काफ़ी समय लग जाता था। लेकिन गवर्नमेंट वर्क के लिए आज भी GI पाइप का ही यूज किया जाता है। बस आपको ध्यान यह रखना है कि प्लास्टिक और UPVC का पाइप हॉट वाटर के लिए यूज नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कौन सी पाइप कहाँ यूज करनी है। 5वां टिप्स है, ऑलवेज प्रोवाइड किचन एंड बाथरूम पाइपलाइन सेपरेट। मींस आपको किचन की प्लम्बिंग लाइन हमेशा अलग से लेकर जानी चाहिए। हाँ, यह थोड़ा सा कॉस्टली जरूर पड़ता है, पर लॉन्ग टर्म बेसिस में यह अच्छी होती है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। टिप नंबर 6 है, ऑलवेज प्रोवाइड सॉइल पाइप फॉर टॉयलेट बाथरूम सेपरेट। मीन्स आपको हमेशा टॉयलेट बाथरूम का सॉइल पाइप और सॉलिड वेस्ट का पाइप अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि दोनों पाइपों का कनेक्शन एक ही लाइन में कर दूंगा तो बाथरूम के नहाने धोने के पानी के साथ साथ सॉलिड वेस्ट भी साफ होता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपने एक ही पाइप रखा है तो गलती से भी पाइप अगर चोक हो गया तो यह फिर बैक मारेगा और पूरी गंदगी बाथरूम में आएगी या फिर किचन में आएगी,
इसलिए मैंने बोला कि आपको किचन की, बाथरूम की और टॉयलेट की वेस्ट पाइप अलग अलग ले जानी है, ताकि एक पाइप के चोक होने पर गंदा पानी किचन या बाथरूम में ना आए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और प्लम्बर को ऐसा काम कतई ना करने दें। टिप्स नंबर 7 है, मस्ट प्रोवाइड सट ऑफ वॉल्व। मीन्स बाहर से जहां से भी आपके घर के अंदर सप्लाई का पानी आ रहा है, तो बाहर एक सट ऑफ वॉल्व जरूर लगाएं, ताकि घर के अंदर किचन, टॉयलेट, बाथरूम, कोई भी प्लम्बिंग से रिलेटेड फॉल्ट आ जाए तो उसे आप सट ऑफ वॉल्व बंद करके इजिली रिपेयर कर सकें। वैसे तो यह सट ऑफ वॉल्व पानी की टंकी के पास भी लगाया जाता है, फिर आपको छत पर जाकर बंद करना पड़ता है, तो बेटर रहेगा कि आप उसको नीचे की तरफ कहीं लगवाने, जिससे आपको बंद करने में आसानी हो। टिप्स नंबर 8 है, डोंट अवॉइड एनी प्लम्बिंग लीकेज। मीन्स पहली बात कि ये किसी भी टैप्स, फॉसेट, वॉल्व को ज़्यादा टाइट करने की कोशिश ना करें, नहीं तो यह क्रैक होकर लीकेज के चांस को बढ़ा सकता है। दूसरा कि किसी भी छोटी से छोटी प्लम्बिंग लीकेज को अवॉइड ना करें, अगर लीकेज है तो इसे तुरंत रिपेयर करवाना चाहिए, नहीं तो पेंट, पुट्टी, डोर, दीवारें, छत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो यह बात भी आप जरूर ध्यान रखें। टिप्स नंबर 9 है, डोंट यूज़ नहानी ट्रैप फॉर वॉश बेसिन। मीन्स वॉश बेसिन का जो आउटलेट पॉइंट होता है, जहाँ पर वॉश बेसिन का पानी जाता है, वहाँ पर आपको हमेशा मल्टी फ्लोर ट्रैप ही यूज करना है। गलती से भी वहाँ नहानी ट्रैप ना यूज करें, नहीं तो यह गंदा स्मेल करेगा और लीकेज के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। टिप्स नंबर 10 है, डोंट यूज प्लेन टी फॉर बाथरूम ड्रेनेज। मीन्स आपको अपने पूरे बाथरूम ड्रेनेज सिस्टम में कहीं भी प्लेन टी और प्लेन बैंड नहीं यूज करना चाहिए, इससे पानी रिवर्स जाने और बैक जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मीन्स लाइन बहुत जल्दी चोक हो जाती है, आपको पूरे बाथरूम सिस्टम के लिए हमेशा वाई टी ही यूज करना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें और प्लम्बर को प्लेन टी और प्लेन बैंड कभी ना यूज करने दें। टिप्स नंबर 11 है, डोंट यूज एल्बो इन ड्रेन पाइप। मीन्स ड्रेन पाइप के लिए आपको कभी भी एल्बो का यूज नहीं करना चाहिए, वहाँ पर आपको नहानी ट्रैप लगवानी चाहिए, तो आपके बाथरूम से स्मेल नहीं आएगी, तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। टिप नंबर 12 है, चेक प्लम्बिंग फिटिंग्स बिफोर प्लास्टर वर्क। मीन्स प्लास्टर करवाने से पहले, यानी कि जब आपकी प्लम्बिंग फिटिंग हो जाए, तो प्लास्टर करने से पहले ही आप छत पर पानी की टंकी रखवा कर पूरी पाइपलाइन में पानी को दौड़ा कर आप चेक कर लो कि कहीं पर पानी के लीकेज तो नहीं है। क्योंकि अगर आपने प्लास्टर करवा के पेंट पुट्टी करवा दिया और अगर बाद में आपको पता चलता है कि पाइपलाइन में कहीं लीकेज है, तो बाद में आपको लीकेज ठीक करवाने में आपका बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए लीकेज को पहले ही चेक कर लें। और टिप नंबर 13 है, टेक ए पिक्चर ऑफ योर प्लम्बिंग लाइन। मीन्स जब आपकी झिर्री काटकर पाइप फिटिंग हो रही है, तो आपको इसका पिक्चर लेना चाहिए कि कहां कहां से आपकी लाइन गई हुई है। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि प्लम्बिंग लाइन में कोई चेंज करना पड़े या चोक हो जाए, तो पता रहे लाइन कहां से गई है। तो फ्रेंड्स, ये 13 बातें आपको प्लम्बिंग का काम कराते समय जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आई होप दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी और जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही जानकारी के लिए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।